हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है सूजी की एक नई मिठाई, जिसको मैंने नाम दिया है सूजी की रसभरी। तो अभी ट्राई करिए। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लेते हैं, उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तक घी। आप घी ही यूज करें, रिफाइन ऑयल नहीं। घी को हम थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं, ऐसे पिघला लेंगे। उसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी तक सूजी। सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। सिर्फ तब तक ही भूने जब तक उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। देखिए, बस इतना ही सूजी हमको इतनी ही चाहिए। देखिए, हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। 1 कटोरी सूजी ली है मैंने, तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी तक दूध डाला है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और गैस का फ्लेम आप इस टाइम बिल्कुल मीडियम रखें। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच तक चीनी। और इसमें हम डाल देते हैं सिर्फ 1 पिंच फूड कलर, इसे भी हम डाल दें। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करें। और तब तक हम एक कढ़ाई में डाल देते हैं अपना 1.5 कटोरी तक चीनी, और इसमें डाल दें 2 कटोरी पानी। और हम इसका एक चाशनी तैयार कर लेंगे। हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल ही चाहिए। और हमारा सूजी का मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। हाथों में थोड़ा थोड़ा घी लगा के हम इसे अच्छे से आटे के जैसे गूंथ लेंगे। ये देखिए, अगर आपको गूंथने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें 2-3 चम्मच तक दूध का यूज कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे हम एक रोल शेप बना लेंगे। देखिए, ऐसे आप शेप बना लें। सभी को हम ऐसे ही बना लेंगे। हमारी चाशनी भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये देखिए, मैंने यहाँ लिया है 2 पिंच तक फूड कलर और 2 इलायची। इसमें कूट के डाल दें और अच्छे से इसे पका लें। और ये हमारी सभी रसभरी तैयार है। तो अभी से हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने घी ही यूज किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यहाँ यूज कर सकते हैं। और इसे हम फ्राई कर लेंगे, एक एक करके डालें आराम आराम से। ये देखिए, हमारी सब्जी सूजी की रसभरी रेडी है और हमारा चाशनी भी पक चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दे और एक एक करके इसे हम डाल देते हैं। ये देखिए, और फिर निकाल लें 5 मिनट के बाद और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दे। ये देखिए, बिल्कुल अंदर तक इसके रस जा चुका है और हमारी सूजी की रसभरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।